क्वेश्चन नंबर थर्टीन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मनोज प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे दो ईयर दिए हुए हैं 2014 और 2015 2014 ओपनिंग ईयर है और 2015 क्लोजिंग ईयर है कैपिटल ओपनिंग ईयर में था थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड का जो घटके हो गया है टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड का क्रेडिटर था ओपनिंग ईयर में वन लैख थर्टी टू थाउजेंड का जो बढ़ के हो गया है वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ के हो गया है नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड का और बैंक ओवर जो ओपनिंग ईयर में था ट्वेल्व थाउजेंड का वो घट गया है पूरा फिक्स जो ओपनिंग ईयर में था थ्री सिक्सटी थाउजेंड का वो घट के हो गया थ्री लैख स्टॉक्स जो था नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का वो घट के हो गया सेवेंटी टू थाउजेंड डेप्टर जो फोर्टी एट थाउजेंड का था वो घट के हो गया थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड और बिल रिसिवेबल वो बढ़ के हो गया है बारह हजार बैंक ये भी बढ़ के हो गया है अट्ठारह हजार यहाँ कहा गया है कि पूरे ईयर में कोई भी ड्राइंग्स या कैपिटल में एडिशन नहीं हुआ है यानी कि ना ही व्यापार से कोई पैसा निकाला गया है और ना ही उनके पूंजी में कोई वृद्धि हुई है साथ ही ये भी बता दिया गया है कि कोई भी फिक्स एसेट ना तो परचेस किया गया है और ना ही सेल किया गया है तो इस कंडीशन पे हम कैलकुलेशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडे टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन लॉस ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर में डिफरेंस था नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का क्योंकि ये घटा है कैपिटल ओपनिंग ईयर से कम हो गया है क्लोजिंग ईयर में तो उसको हम लॉस मानेंगे अगर बढ़ा रहता तो है तो उसको प्रॉफिट मानते तो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का यहाँ पे डिफरेंस है इसलिए नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का लॉस है प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स्ड एसेट कम हुआ है ओपनिंग ईयर में ज़्यादा था और क्लोजिंग ईयर में कम हो गया है तो उसको हम डेप्रिसिएशन मानेंगे तो जब अपन नाइन्टी सिक्स थाउजेंड में से सिक्सटी थाउजेंड माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लॉस घट के हो जाएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ जो होगा ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्ज अब यहाँ पे अपन प्लस करेंगे क्योंकि क्रेडिटर हमारा करेंट लाइबिलिटी है और ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये प्लस होगा इंक्रीज़ हुआ है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड से अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी हमारा करंट लाइबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है मतलब ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर का डिफरेंस यहाँ पे हम देखते हैं तो वो नाइन्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड का है तो ये भी प्लस होगा अब इन्वेंट्री क्योंकि ये हमारा करंट एसेट है और अगर ये डिक्रीज होता है तो प्लस होता है तो यहाँ पे क्योंकि ट्वेंटी से डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे फिर डेप्टर ये भी हमारा करंट एसेट है ये भी डिक्रीज होता है तो प्लस होता है तो यहाँ पे नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह डिफरेंस था ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर का तो ये भी प्लस होगा अब बिल रिसीवेबल ये भी हमारा करंट एसेट है और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये माइनस होगा तो यहाँ पे डिफरेंस था ट्वेल्व थाउजेंड का तो ये माइनस हो तो जब अपन थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड से नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर थाउजेंड और नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और उसमें से माइनस करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा थर्टी थाउजेंड और क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है इसीलिए हम इसे अपना आंसर मानेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आशीष ट्यूब प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे दो ईयर दिया हुआ है 2014 और 2015 2014 ओपनिंग ईयर है और 2015 क्लोजिंग ईयर है कैपिटल ओपनिंग ईयर में था सेवन लाख जो बढ़ के हो गया है एट लाख यानी कि हमको एक लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एक लाख यहाँ पे इंक्रीज हो गया है क्रेडिटर था वन लाख का जो घट के हो गया है एटी थाउजेंड और बिल पेबल था फिफ्टी थाउजेंड का जो घट के हो गया है ट्वेंटी थाउजेंड तो ये दोनों हमारे करेंट लाइबिलिटी हैं अब यहाँ बिल्डिंग था सिक्स लाख का जो घट के हो गया है फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड मशीनरी था टू लाख का जो घट के हो गया वन लाख एटी थाउजेंड स्टॉक था टेन थाउजेंड का जो बढ़ के हो गया है फिफ्टीन थाउजेंड डेप्टर था ट्वेंटी थाउजेंड का जो घट के हो गया है फिफ्टीन थाउजेंड और बिल रिसिवेबल था टेन थाउजेंड का जो घट के हो गया है एट थाउजेंड और कैश था टेन थाउजेंड का जो बढ़ के हो गया वन फोर्टी टू थाउजेंड तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेंट्री डेप्टर और बिल रिसिवल है ये करेंट एसेट है और बिल्डिंग और मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट है हमें यहाँ कह दिया गया है कि व्यापार में कोई भी ड्राइंग और कोई भी कैपिटल में एडिशन नहीं हुआ है ईयर में यानी कि ना तो व्यापार से कोई पैसा निकाला गया और ना ही उसमें कोई वृद्धि हुई है साथ ही ये भी बता दिया गया है कि कोई भी फिक्सड एसेट ना ही ख़रीदा गया है और ना ही बेचा गया है इसका मतलब बिल्डिंग और मशीनरी में जो भी हमको डिफरेंस दिख रहा है वो डेप्रिशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में डिफरेंस था वन लैख का जो उसको हम प्रॉफिट मानेंगे इसमें प्लस करेंगे डेप्रेशन बिल्डिंग ये सिक्सटी थाउजेंड से डिक्रीज हुआ था इसलिए इसे हम डेप्रेशन मानेंगे मशीनरी ये ट्वेंटी थाउजेंड से डिक्रीज हुआ था इसलिए इसको हम डेप्रेशन मानेंगे तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा वन लैख एटी थाउजेंड जो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज अब क्रेडिटर क्योंकि ये करेंट लाइबिलिटी है और ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये माइनस होगा इसका डिफरेंस था ट्वेंटी थाउजेंड बिल पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी है और ये डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए माइनस होगा इसका डिफरेंस था थर्टी थाउजेंड इन्वेंट्री ये करंट एसेट है ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस होगा इसका डिफरेंस था फाइव थाउजेंड डैप्टर यह डिक्रीज हो रहा है और ये करेंट एसेट है इसलिए ये प्लस होगा तो फाइव थाउजेंड का डिफरेंस था और बिल रिसीवेबल ये भी करेंट एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये प्लस होगा टू थाउजेंड से वन लाख एटी थाउजेंड में फाइव थाउजेंड टू थाउजेंड प्लस करके जब अपन फाइव थाउजेंड थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड माइनस करेंगे तो आ जाएगा वन लाख थर्टी टू थाउजेंड जो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं दिया है और ना ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई इन्फॉर्मेशन दिया है तो यही हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश, कैश इक्विवेलेंट होगा और अगर हमको अपना आंसर चेक करना है तो हम यहाँ पे प्लस करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश बैलेंस दिया था दस हज़ार उसको प्लस करके देख सकते हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड तो यही हमारा आंसर होगा